वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने क्रिएट किया है ये सिंपल सा ब्यूटीफुल सा ईद मेकअप लुक, जो कि आप बोल सकते हो कि एक लास्ट मिनट ईद मेकअप ट्यूटोरियल है। इनकेस अगर आपको गड़बड़गाई हो रही है, तैयार होने का टाइम है, तो आप इस लुक को तो ईजिली अचीव कर सकते हो। एंड अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इसको कैसे अचीव किया है, देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैंने पहले स्किन केयर कर लिया था, तो फटाफट से मेकअप में मूव ऑन करते हैं। तो मुझे अपना बेस बिल्कुल भी हैवी नहीं रखना है, इवन दो मैं फाउंडेशन कंसीलर सब अप्लाई करने वाली हूँ, बट काफ़ी कम प्रोडक्ट्स अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ एक पंप लूँगी एंड अच्छे से इसको सबसे पहले हम करेंगे एक्टिवेट एंड अपने इनर साइड में अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा स्किन के अंदर के साइड में अप्लाई करना होता है क्योंकि वो ब्लेंड करते करते बाहर स्किन के चला ही जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बाय द वे, जो मैं कुर्ती वेयर की हूँ ये मेरे पापा ने लाया था फ्रॉम बनारस, बट आपको सिमिलर बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। एंड बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी जो कि है फ्रॉम द ब्रांड मैट लुक एंड जो मेरा शेड है वो है क्लासिक आइवोरी। अगेन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एंड थोड़ा सा अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई करूंगी। एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कफ्स एंड लैशेस। एंड गाइज, ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक होने वाला है, मैं कॉन्टोर ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। जस्ट एवरीडे बेसिस पे हम जैसे रेडी होते हैं मैं वैसा ही मेकअप करने वाली हूँ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ पिलग्रिम का इंस्टा टिंट एंड इसको मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी, अपने टॉप पे अप्लाई करूंगी 3 डॉट्स एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माय दीज 2 फिंगर्स मैं बस ऐसे टैप करूंगी एंड थोड़ा सा मूव करूंगी अपने एप्पल्स ऑफ द चिक्स की तरफ, सिर्फ टैप करना है। कैन यू सी कितना प्रिटी लग रहा है ये। बस एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूंगी, इनकेस जो भी एक्सेस होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। एंड अभी मैं अपने फेस को सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय ग्लैम का कॉम्पैक्ट। सबसे पहले अंडर आईज को सेट करूंगी एंड अपने आईलिड्स को भी सेट करूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाना है, इसलिए मैं पहले ही पाउडर से सेट कर दे रही हूँ। एंड अगर आप चाहो तो सेम ब्लश की हेल्प से आप आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यूज करने वाली हूँ आई शेडो पैलेट एंड इसमें का जो ये पिंक शेड है ना मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने आईलिड्स पे एंड बहुत ही कम क्वांटिटी लूंगी मैं क्योंकि मुझे पिंक का जो इफेक्ट है ना अपने आईज पे बहुत ही हल्का सा चाहिए। ओके, तो जैसे कि सब पिंक पिंक हो चुका है बट थोड़ा सा आई लुक को स्टैंड आउट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ प्लम का नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर काजल एंड ये शायद टर्कोइश एंड ग्रीन शॉर्ट ऑफ अ शेड है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे टू ब्रिंग सम पॉप ऑफ कलर। सी कितना प्रिटी लग रहा है। अब आई मेकअप का लास्ट स्टेप है टू अप्लाई सम मस्कारा। मुझे अपने लिप्स को ग्लॉसी रखना है तो मैं अप्लाई करूंगी लिप ग्लॉस फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी विच इज देयर प्लम अप वेट ग्लॉस एंड शेड भी काफी सुंदर है, द शेड इज 60। सो गाइज, मेरा मेकअप तो हो चुका है एंड फटफट से मैं अपनी ज्वेलरी वेयर करके आप लोग से मिलती हूँ।
गाइस मैंने झुमका वेयर कर लिया है एंड बैंगल्स भी वेयर कर लिए हैं एंड दिस इज द फाइनल लुक एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मैंने काफी बेसिक सा मेकअप किया है ताकि आप इजीली कोई भी इस लुक को कर सकता है। एंड अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।